रजनीकांत की एक फिल्म आई थी और डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ, मीम बने खूब। डायलॉग था, क्यों हिला डाला ना। अगर फिल्मी पर्दे को राजनीति के पर्दे पर देखेंगे तो कई लोगों को नरेंद्र मोदी उसी तरीके से नजर आ रहे हैं, जो हर बार अपने फैसले के साथ चौंका देते हैं। एमपी में मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ, एकदम नया चेहरा। ऐलान एमपी के लिए हुआ, एमपी वाले तो चौंके ही, लेकिन राजस्थान के लोगों की धड़कनें बढ़ गई, क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा अगर कहीं की है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और सबसे ज़्यादा सस्पेंस कहीं पे और सबसे ज़्यादा दावेदार कहीं पे है, तो राजस्थान है। और राजस्थान के लोग इस सवाल से कम 15-20 सालों में तो नहीं उलझे थे। पिछली बार थोड़ा अशोक गहलोत और सचिन पायलट का हुआ था, लेकिन क्लियर था कि अशोक गहलोत बनेंगे और वसुंधरा तो बनती आ रही है। लेकिन इस बार ये सवाल बहुत पेचीदा है, और पेचीदा इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से नाम आ रहे हैं और जिस तरीके से चौंकाया जा रहा है, उस तरीके से तो कोई भी चौंक सकता है राजस्थान में भी, ये स्थिति देखते हुए। रमन सिंह का पत्ता और रमन सिंह का एरा छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के तौर पर वो समाप्त कर दिया बीजेपी ने। नया सीएम लाया विष्णु साय को। शिवराज सिंह चौहान एक बड़े नेता, कद्दावर नेता, उनकी एक छवि, वो सब कुछ, वो सारा कुछ धरा का धरा रह गया। एक नया नेता आया, मोहन यादव। वसुंधरा राजे बड़ी नेता, बागी तेवर, लेकिन सामने नरेंद्र मोदी, अमित शाह का नेतृत्व क्या होगा। कई नाम चर्चा में है, और चर्चा में लोगों के बीच नहीं, सट्टा बाजार भी इस पे जो है सट्टा लगाए बैठा हुआ है कि कौन 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 मुख्यमंत्री बन सकता है। फलौदी का सट्टा बाजार किसको मुख्यमंत्री बनवा रहा है, ये हम आपको बता देते हैं। जो अखबार में छपा हुआ है, दैनिक भास्कर में, उसकी रिपोर्ट थी, तो हमने कहा कि इसके बहाने थोड़ी चर्चा आपसे कर ली जाएगी। तो हुआ ये कि राजस्थान में कितने दावेदार हैं, वसुंधरा राजे स्वाभाविक दावेदार, लेकिन इस पूरे परिदृश्य के बाद सबसे कमज़ोर दावेदार फिलहाल वही नज़र आ रही है। फलौदी के सट्टा बाजार में गया था, और बहुत ही दुर्लभ चीज़ जगह है, वहाँ पर लोग किसी भी बात पर सट्टा लगा लेते हैं। बारिश होगी, कितनी होगी, इस पे सट्टा लगा लेते हैं। बारिश होगी, जूते के सोल के नीचे रहेगी या उसके ऊपर आ जाएगी, इस पे सट्टा लगा लेते हैं। दो सांड आपस में लड़ रहे हैं तो कौन सा सांड जीतेगा, इस पे सट्टा लगा देते हैं। गली में बैठे हुए तो शर्त लगा लेते हैं कि स्कूटी आएगी कि बाइक आएगी, पहले कौन आएगा, इस पे सट्टा लगा देते हैं। तो फलौदी वाले दुर्लभ प्राणी हैं, हर चीज़ पे सट्टा लगाने में माहिर हैं। प्रत्याशी से लेकर चुनाव के आकलन तक सट्टा लगाते हैं। अब सीएम के नाम पर भी सट्टा लग गया है। क्या लगा है सट्टा, तो गुरु जान लीजिए, 8 दिसंबर की तारीख जब थी तो इतने दावेदार थे, वसुंधरा राजे, ओम बिरला जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं, महंत बालकनाथ, अर्जुन राम मेघवाल, दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत, महंत प्रतापपुरी। सबसे ज़्यादा ऊपर चल रही थी वसुंधरा राजे, उनका भाव 1.50 रुपये था, और महंत प्रतापपुरी का 12 रुपये। इतने नामों में ओम बिरला का 1.75 रुपये, महंत बालकनाथ का 2 रुपये। अब ये भाव कैसे होता है, जिसका सबसे कम आपको दिखेगा नंबर में भाव, यानी सबसे आगे वही है। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर कोई वसुंधरा राजे पर दांव लगाता है सट्टा बाजार में और वो मुख्यमंत्री बन जाती हैं, तो एक अगर वो 1000 लगाएगा तो उसको 1500 रुपये मिलेगा। लेकिन अगर वो महंत प्रतापपुरी पर दांव लगाता है और वो जीत जाते हैं, अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो उसको 1000 के बदले 12000 मिलेंगे। आप मोटा मोटी समझ गए होंगे। 9 दिसंबर को ये सिनेरियो बदल गया। अगले दिन सट्टा बाजार में मुख्यमंत्री के दावेदारों में सबसे नंबर पर आ गए, जिनका नाम नहीं था, अश्विनी वैष्णव, जो रेलवे मंत्री हैं, मोदी सरकार में काफ़ी अच्छी पहचान रखते हैं। उनका भाव 1.25 रुपये, ओम बिरला का 1.50 रुपये, वसुंधरा राजे के 1.50 रुपये, महंत बालकनाथ, अर्जुन राम मेघवाल, दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम माथुर और महंत प्रतापपुरी, इतने नाम ऐड हो गए। 10 दिसंबर को जब आपने तस्वीरें देखी, वसुंधरा राजे यहाँ दिल्ली आई, मिली तमाम फाइल पर्ची ये वो, तब फिर उनका भाव सबसे ऊपर हो गया, वसुंधरा राजे सबसे ज़्यादा दावेदार हो गई, अश्विनी वैष्णव दूसरे नंबर पे, महंत बालकनाथ, ओम बिरला, अर्जुन राम मेघवाल, दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम माथुर, प्रताप, महंत प्रतापपुरी, इतने तमाम नाम हैं, उन तब के सबके भाव बन रहे हैं। लेकिन गुरु, सट्टा बाजार तो सटोरियों का खेल है, पैसे के लेन देन का, जो इल्लीगल है। असली खेल तो जो दिल्ली में होगा, जो दिल्ली से नाम तय किया जाएगा वही बनेगा। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर लंदन से भी ला करके किसी को मुख्यमंत्री बना दें, वो ऐसे तुकबंदी में, तब भी यहाँ कोई पत्ता नहीं हिलेगा। वसुंधरा राजे कितने भी मजबूती और कितने भी मजबूत होने की दावा क्यों करते हैं। मैडम वसुंधरा वाकई मजबूत नेता हैं, रही हैं,
उनके साथ विधायकों का समर्थन भी रहा है, लेकिन अब बदला हुआ स्वरूप है और बदली हुई भाजपा है जिसकी कमान नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में है। तो क्या वसुंधरा मैडम का दांव उतना चल पाएगा? ये सवाल लाजमी है। अगर वो नहीं चलता है तो कौन बनेगा? चर्चा इतने नामों की है और हो सकता है कि इन नामों से इतर कोई नाम आ जाए और हम आप और सारे सूत्र माथा पीट कर बैठे रहे कि भैया ये नाम तो सोचा ही नहीं था। इस तरीके की पॉलिटिक्स है। जो मैसेज क्लियर है, पहली चीज़ जो मुख्यमंत्री बनने के पीछे देखी जाती है वो ये कि वो जाति समीकरण सोशल इंजीनियरिंग में फिट बैठता है या नहीं, एक चीज़। दूसरी चीज़, वो दिल्ली के प्रति कितना लॉयल है, कितना जो है दिल्ली की सुनता है और अपनी कितनी चलाता है, दूसरा बड़ा फैक्टर ये है। और तीसरा है कि उसका अपना कितना जनाधार है, ये सब बाद में आता है। ये दो चीज़ें पहले आती हैं जो अभी की राजनीति देखकर हमें समझ में आता है, क्योंकि दिल्ली को वो नेता पसंद है जो दिल्ली के कंट्रोल में रहें, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह इधर से जो आदेश जारी आए हो उसको हूबहू ग्राउंड पर लागू करवा दें। अब एक राज्य में सीएम बन चुका है, वो आते हैं आदिवासी बिरादरी, आदिवासी हैं वो। दूसरे राज्य के सीएम ओबीसी यादव हैं। तब सवाल है कि आदिवासी और ओबीसी के बाद क्या कोई सवर्ण मुख्यमंत्री बन सकता है? ये एक सवाल लोगों के मन में है। और इस सिनेरियो में नाम चलते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी, महंत प्रतापपुरी, इन तमाम लोगों के नाम चलते हैं। एक ने तो कहा गुलाब चंद कटारिया को भी बना दे भैया तो चौंकिएगा मत, भले राज्यपाल बन गए हैं, ला करके जो है बना देंगे, संघ के पुराने आदमी हैं, लगातार जीतते रहे। कोई कह रहा है कि हमारे नेता बनेंगे, और अब की जो है मैं देख रहा था किसी ने जो है 15 नाम डाले थे कि ये बन सकते हैं, तो एक ने कमेंट किया कि 101 बच गए उनको भी डाल दो। ऐसा है, इसको देख करके मोहन यादव का नाम एमपी में देखने के बाद तो कई सारे विधायकों को इसमें आ रहा होगा कि कहीं मैं ही तो मुख्यमंत्री नहीं बन जाऊँगा, कहीं मेरा नंबर तो नहीं लग जाएगा। और ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि पहली बार का विधायक है, दूसरी बार का विधायक है, 8 बार का विधायक है, 10 बार का विधायक है। पहली बार के विधायक पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो किसी को भी नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, अमित शाह, जेपी नड्डा मुख्यमंत्री बना सकते हैं। तो उस सिनेरियो में देखा जाए तो ये मांग चल रही है कि कोई सवर्ण मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन अगर जो 24 की दिशा है पॉलिटिक्स की, जिसमें बात की जा रही है कि जो विपक्ष है वो जब ये वो लामबंदी करता है, ओबीसी मुख्यमंत्री की बात राहुल गांधी करते हैं, जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात करते हैं, और जाति जनगणना कराकर बिहार में एक अलग ही दिशा खींच दी गई है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की तरफ से, तो क्या ये संभव है कि दोबारा राजस्थान में एक और ओबीसी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए? उस स्थिति में अश्विनी वैष्णव का नंबर लग सकता है। आपको बता दूं, अश्विनी वैष्णव ओबीसी वर्ग से आते हैं, स्वामी जाति है उनकी, तो वहाँ पर वो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी में महंत बालकनाथ भी हैं। लेकिन देखिए, कई जिस भी नाम के बारे में हम लोग सोचते हैं या आप लोग सोचते हैं, उनकी आप 10 खूबियाँ और 10 खामियाँ बता देते हैं, लेकिन सब कुछ आकर अटक जाता है 7 लोक कल्याण मार्ग पर जहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं, और वहीं से तय होता है कि कौन बनेगा, किसकी क्या काबिलियत है। आप प्रधानमंत्री के 2018 का स्पीच सुनेंगे ना, आपको वहीं से समझ में आ जाएगा कि वो किस तरीके से एक स्पीच है, हम उसको लगवाने की कोशिश करेंगे, आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे करते हैं। वो साफ कह रहे हैं कि अगर मैं ये नहीं देखता हूँ कि मेरे करीबी हैं या ये हैं वो है फलाना है नमाका, वो फिट बैठते हैं, जिम्मेदारी कम लोगों को दे सकता हूँ तो दे देता हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि जिनका नाम चले कि मेरा बन रहा है, मैं आगे हूँ, ये हूँ, तो भैया फ़ोन करके मीडिया वालों से कहे तो मेरा नाम मत चलाओ नहीं तो कट जाएगा हंसते हुए, तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश में जितने लोगों के नाम चले, तमाम दिग्गज, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, सब जो है साइड हो गए, और मोहन यादव एक चौंकाने वाला अभूतपूर्व नाम सामने आया। तो क्या राजस्थान के लोग भी चौंकने के लिए तैयार बैठे हैं? आप बताइए, जितने नाम चल रहे हैं उनके अलावा कौन मुख्यमंत्री बन सकता है राजस्थान में? क्या काबिलियत हो सकती है? क्या राजस्थान को कोई दलित चेहरा मिल सकता है जिसमें वो पॉलिटिक्स हो जाए? आदिवासी, ओबीसी और दलित, तो अर्जुन राम मेघवाल और इस तरीके के नेताओं का नाम आगे आ जाए। कैलाश चौधरी का कितना चांस है? तमाम बड़े नेता हैं, उनके कितने चांस हैं? राजेंद्र राठौर चुनाव हार चुके हैं, लेकिन क्या वो अब भी उस दावेदारी में है कि उनको चुनाव लड़वा करके मुख्यमंत्री बना दिया जाए? बहुत सारे नाम हैं, और हो सकता है कि मैंने जो नाम लिए हैं उनमें से कोई मुख्यमंत्री ना बने, और हो सकता है कि इनमें से कोई एक तुक्का फिट बैठ जाए। लेकिन मैं फिर कहूँगा
कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम तय हो चुका है, एक नाम फिक्स है और वो नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में है, बाकी सब कयास में है। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी जतिन कोठवाल हैं। ऐसी और खबरों के और वीडियोस के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।